2009 बुलेटिन रे समय पे ब्रेक रो ऋण नारे खाइगले लक्षाधिक टंका मयूरभ जिला रायरंगपुर आसी एक अभियोग निरीह आदिवासी को ठकबार नुआ फंडा पाले पाई दलाल फ्री लोन रो प्रलोभन देखाई दुईट गाँव एकावन जन हिताधिकारी दिन दीप्र आखिरे आंगुठी घुंची 20 लाख टंका ठकी नहीं जाइंट बैंक एजेंट 2015 और 2016 आर्थिक वर्ष में एजेंट मगणारे कृषि ऋण मिलता कही गुरु मईसणी थाना अधीनस्थ सुंडल ग्रामर हिके साई और तेलईसरी ग्रामर लोक ऋण ने प्रबधाई एथिरे भली जाई सरल आदिवासी चाषी ऋण करने को मुहाँ भरीते पर ऋण बाबद किसी जाणि नाषीों ठू दस्तखत नहीं टा उठा कर जनक 5000-10000 टाँचा लिखाई दे बाकी टाँचा नहीं जाते मगणारे एत टा मिली भाई चाषी भी चुप रही सेपटे हिताधिकारी बाबद संपूर्ण जाणी पर 2017 जुलाई 18 तारीख में दुई एजेंट तथा मुख्य अभियुक्त गोपीनाथ महाली और रामरंजन महाली चाषी को नहीं एक एग्रीमेंट करते जो ऋण टकर 50% टाँचा दुई एजेंट पैठ करेंगे एग्रीमेंट होता ऋण ना लक्षाधिक टाँचा ठके दुई बैंक एजेंट गिरफ अंपटे कृषि ऋण परिषद पर बैंक पक्षर बारंबार नोटिस जावास चाषी आकाउंट्रु टा कटा जाता इन्हें चाषी बैंक मैनेजर को साक्षात करते कौन सुफल पाई ना शेष में बाध्य रायरंगपुर टाउन थाना 5 जन बैंक एजेंट विरुद्ध लिखित अभियोग कर नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी स्थित शहीद स्मृति स्तंभ निकट में सड़क दुर्घटना बाइक को पिटिला ट्रक दुर्घटन में बाइक चालकों मृत्यु होता बेले बाइक पछपटे बसुवा अन्य जनों अवस्था एवं संकटपूर्ण रही बाइक आरोही द्वय हेले नवरंगपुर ब्लॉक बड़ कोमुली ग्रामर दुर्योधन गौड़ और पवित्र हरिजन से कौन एक काम में पापड़ाहांडी जाए निज गाँ बड़ कोमुली फेरुवा समय यह दुर्घटना घटा नुआपड़ा जिला सदर महकुमा स्थित मिनी स्टेडियम ठारे आज YMC कप्र सर्वभारतीय 28तम क्रिकेट टूर्नामेंट अनुष्ठित होती उक्त अवसर में नुआपड़ा एसपी विनीत कुमार अग्रवाल मुख्य अतिथि जिला परिषद अध्यक्ष नमिता अग्रवाल और वरिष्ठ आईनजीवी पीसी महापात्र सम्मानित अतिथि भाव में जोगद आज प्रथम मैच में फॉरेस्ट भिलाई आयोजक YMC क्लब नुआपड़ा मध्य आरंभ होता अतिथि मैंने उभय दुई दल खेला उत्साहित करते यह अवसर में आयोजक YMC क्लब्र सभापति समेत समस्त क्लब्र कर्मकर्ता संपूर्ण सहयोग रही है उक्त अवसर में विभिन्न अंचल दर्शकों भिड़ रही देखा मिलता यहाँ आम 28तम सर्वभारतीय YMC कप क्रिकेट टूर्नामेंट एमर छत्तीसगढ़ अच्छी झारखंड अच्छी पश्चिमबंग टीम अच्छी ओडिशा टीम अच्छी रेलवे टीम मान अच्छी टोटाली 8टा टीम भाग नौ आज आम उद्घाटन उत्सव में आम SP सार जिला परिषद मैडम आमर सीनियर एडवोकेट थिले आटा 8 दिन आम चलो ये वर्तमान टूर्नामेंटा फाइनाल रे रंगारंग कार्यक्रम भी अच्छी हेटी आउ किसी सेलिब्रिटी भी आसवर अच्छी फाइनाल रे नुआपड़ा जिला लखन थाना अंतर्गत कुशधना ग्रामर भुवेन मल्लिकों नाम जन श्रमिक स्त्री सह ग्रामर अन्य तीन जन श्रमिकों सह बलांगीर जिला तुरकला थाना ढोल मॉडल ग्रामर भुवन बंचर नामक जने दादन दलाल आंध्रप्रदेश सहर को ईटा गढ़ाक जाते दलाल जनक पिछा 40,000 टंका देवाई प्रतिश्रुति ईटाभाटी मालिक श्रमिक मानक काम हासिल कलापर पाउना देवा मना कर खाली हाथ में निराश हो निज राज्य को फेरी तेज आंध्रप्रदेश को पठाई दादन दलाल निकट में नेउरा हो निज पारिश्रमिक मागिथिले फलर दलाल जनक धमक चमक दे श्रमिक मान को तड़ीदे शेष में श्रमिक मैंने आज निज अधिकारी पाइबा आशे श्रम अधिकारी द्वारस्थ नुआपड़ा सहर में विभिन्न स्थान में बेआईन निशा कारबार कर अभियोग आज 5 जन युवक को नुआपड़ा सदर थाना पुलिस गिरफ्त कर 160 कप सिरप जबत कर गिरफ्त युवक मैंने नुआपड़ा सहर दिनेश सुना आतिश मल्लिक भूपेन बंछर सागरंजन बल और सत्यजित हरपल बोली जमापड़ी एम नुआपड़ा सहर में कप सिरप को निशा भाव में युवक मानी बिक्री कर मालामाल आसते गिरफ्त पर युवक मानक कोर्ट चलाण कर ओडिशा को स्वतंत्र राज्य पाया दाबी और महानदी पोलाभरम समस्या समाधान दाबी में जगत सिंहपुर सत्यव्रत दास जाजपुर पदयात्रा भारी 178 दिन में नुआपड़ा पहुंची राज्यर 314 ब्लक प्रत्येक विडीओ को दाबीपत्र देवाई स्थिरीकृत करता बेले रविवार नुआपड़ा विडीओ को दाबीपत्र प्रदान कर पदयात्रा कमुना ब्लक अभिमुखी जात्रा करते गतकाल रात पालालहड़ा ब्लक खमर थाना अंतर्गत मंडखोल ग्राम से मामुघरे जन दशम श्रेणी छात्री फ्यान्रे ओढ़नी लगे आत्महत्या कर जमापड़ी मृत छात्री जनक अनुगुल जिलार कुरुडोल ग्रामर सस्मिता देहरी गत 2 मास हेब सस्मिता मामुघरे रोते गतकाल रात समस्त परिवार लोके सोईपड़ा पर घटना घटना अनुमान तेज आत्महत्यार प्रकृत कारण एपर्यंत अस्पष्ट रही बेले पुलिस घटनास्थल में पहुंची एक अपमृत्यु मामला रुजु कर घटनार अधिक तदंत कर ओडिशा एक नंबर पौरपालिका करने राजगांगपुर विधायक डॉक्टर सी एस राजेन इंजा नेतृत्व में राजगांगपुर पौरपालिका 18 नंबर वार्ड
ଝରଝରା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳା ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣ ଏବଂ ପୌରପାଳିକାର ସହଯୋଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ବାଣ୍ଠୁପଡ଼ାରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଗାଙ୍କୁ ସଫା ରଖିବା, ରାଜଗାଙ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ ରଖିବା ଓ ରାଜଗାଙ୍କୁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କରିବା ଆମେ ପ୍ରଣ ନେଇଛୁ। ତ ସେଇଥିରେ ଯାହା ଯାହା ବି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଉ ସରକାର ଯଦି ଅକ୍ଷମ ହେଲେ ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ କି ଲୋକ ଆଉ ଆମର ଜନସାଧାରଣ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଦେବରଞ୍ଜନ ବିନୋଦ ଭାଇ ଯେ ତାଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ରେ ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 18 ସେ ନେଇକି ଲିଡରସିପ୍ ନେଇକି କଲେ। ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ବି ସହଯୋଗ ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଆଜି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗା ସଫା କରୁଛୁ ସେଇଟା କେତେ କ୍ଲିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ଯଦି ଟୋଟାଲ ଏମିତି ରାଜଗାଙ୍କପୁର ଟୋଟାଲ 20 ୱାର୍ଡ ହେଇଯାଏ, ରାଜଗାଙ୍କପୁର କ୍ଲିନ୍ ହେଇଯିବ, ରାଜଗାଙ୍କପୁର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହେଇଯିବ। ମୁଁ 18 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦା, ମୋ ନାଁ ସୁରେଶ ରାଣା। ଇଏ ଗାୟତ୍ରୀ ବିହାର ହେଉଛି ଆମର କଲୋନୀ, ନାଁ ହେଉଛି ଗାୟତ୍ରୀ ବିହାର। ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପଦକ୍ଷେପ ତାଙ୍କର, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମର MLA ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜର ଡ୍ୟୁଟି, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ କରିବା କଥା। ଆଜି MLA ମହୋଦୟ ଆମର ଆସିକି ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିଠୁ 3 ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସମ୍ବଲପୁର 23ତମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ। ଏଠାପାଲି ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ମଇଦାନରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ନୃତ୍ୟ ଦଳ ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ। ନମସ୍କାର, ମେରା ନାମ ପୂଜା ଦାସ ହେ ଔର ହମ ଲୋଗ ବର୍କମ୍ପୋ ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ହେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବାଇ ବିକି ହାଜରିକା। ହମେ ୟହାଁ ପେ ଆକେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା, ୟହାଁ କା ଜୋ ସଂସ୍କୃତି ହେ, ୟହାଁ କା ସଂସ୍କୃତି ଔର ହମାରା ୱହାଁ କା ସଂସ୍କୃତି ଏକ ହି ହେ ପ୍ରାୟ। ତୋ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ସାଥ ଜବ ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଜବ ଟୁଟ ଜାତା ହେ ତୋ ଇସସେ ଅଚ୍ଛି ବାତ ତୋ ହୋଇ ନହିଁ ସକତି ନା। ତୋ ୟହାଁ କା ଜୋ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ହେ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ହେ, ୟହାଁ କା ଲୋକ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ହେ, ବାତାବରଣ ବହୁତ ଅଚ୍ଛେ ହେ। ଆକର୍ଷଣ ରହିବା ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେନ, ଆପଣ ମିଡ଼ିଆରେ ସବୁ କହିସାରିଲେନ, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ନାଚ ତାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରୁ ତ ଦଳମାନେ ଆସୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କର ଲୋକଗୀତ ଲୋକନାଚ ଆଉ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ କଳାକାରମାନଙ୍କର ଲୋକଗୀତର ବି ଆସର ଅଛେ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି କିଛି ବଛା ବଛା କଳାକାର, ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ କଳାକାର ପିଢ଼ିର କଳାକାର ଗୀତ ଗାଇବେ। ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମିନାରରେ ଲୋକଗୀତ ଲୋକନାଚ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ହେବ। ହସ୍ତକଳାର ବି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଛେ, ଝୁଟି ଚିତ୍ରକଳା ଫଟୋ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଛେ, ଆଉ ଫୁଲ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଅଛେ, ପୁଷ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ। ତାର ବାହାରେ ଖାଇବାର ପିଇବାର ଘିନା ବିକା ସବୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ୍ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଛେ। ଏକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର 23ତମ ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲାପରେ ଆୟୋଜକ କମିଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ କଳାକାରମାନେ ତାଙ୍କ ନୃତ୍ୟ ଦଳ ସମ୍ବଲପୁର ସହରର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ସହରବାସୀ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସମ୍ବଲପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମ୍ବଲପୁର ସଞ୍ଜୟ ନାୟକ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଭାଗୃହରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ପୌର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାଲମିଆ ଭାରତ ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ଏବଂ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ପୌରପାଳିକା ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ଶୀତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ 100ରୁ ଅଧିକ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ସହରରେ ଚାଷ କରୁଥିବା ଅନେକ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଲୋକେଶ ମାହିତି, ୟୁନିଟେଡ୍ ରାଜଗାଙ୍ଗପୁର ଡାଲମିଆ ସିମେଣ୍ଟ ତରଫ। जो आज कंबल वितरण का कार्यक्रम किया बहुत अच्छा रहा। म्युनिसिपालिटी के रघुराज जी का जो सहयोग मिला बहुत अच्छा सहयोग रहा, और इसमें जितने भी कंबल जो जिन भी वृद्ध लोगों को गरीब लोगों को दिए ठंड से बचने के लिए, और जिसमें कि उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखते हुए हम लोगों ने कंबल वितरित किए हैं। ऐसे प्रोग्राम हम आगे भी और करते रहेंगे। म्युनिसिपालिटी का बहुत बहुत सहयोग मिला, हम उनकी टीम को, हमारी राजगंगपुर डालमिया की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये प्रोग्राम करते रहें, और हम लोगों का पूरा सहयोग अभी भी रहेगा, आगे भी रहेगा। आज लगभग 100 आदमी का हो चुका है, और अभी 110-120 आदमियों का, और शाम में रात्रि में घुगड़धाम रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पे जो कि मोबाइल इधर आगे चलेंगे, और उसमें हम लोग उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जितने भी रियली नीडी आदमी लोग हैं
और वृद्ध लोग हैं, उनको हम पूरी कोशिश करके पूरा करने कवर करने की कोशिश करेंगे म्युनिसिपैलिटी के। टुडे 9 बुलेटिन पेट रखो, नमस्कार।